नमस्कार, न्यूज क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देशभर में 6,566 नए मामले, 194 लोगों की मौत। COVID-19 एक पब्लिक हेल्थ समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं। कोरोना से ज्यादा भूख और बेहाली से मरने लगे लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में यानी कल 27 मई सुबह 8 बजे से लेकर आज 28 मई सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 6,566 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के कारण 194 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही इसी दौरान कोरोना से पीड़ित 3,266 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,58,333 हो गई है, जिसमें से 42.75% यानी 67,692 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक कुल 4,531 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 86,110 हो गई है। ICMR द्वारा आज सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 33,62,136 सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें से 1,19,976 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले 12 राज्यों से सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र 2,190, तमिलनाडु 817, दिल्ली 792, उत्तर प्रदेश 443, गुजरात 374, मध्य प्रदेश 237, पश्चिम बंगाल 183, राजस्थान 167, असम से 165, जम्मू और कश्मीर से 162, कर्नाटक से 135, तेलंगाना से 107 नए मामले सामने आए। साथ ही साथ बिहार से 78 मामले, उड़ीसा और हरियाणा से 76 मामले, उत्तराखंड से 68, केरल से 41, पंजाब से 33, हिमाचल प्रदेश से 26, त्रिपुरा से 23, झारखंड से 22, चंडीगढ़ से 13, छत्तीसगढ़ से 8, मणिपुर और मेघालय से 5-5 मामले और एक नया मामला इस खबर के रिकॉर्ड किए जाने तक गोवा से सामने आए हैं। बीते दिनों देश के 9 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कोई नया मामला सामने नहीं आया, जिसमें आंध्र प्रदेश, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, दादर और नगर हवेली, मिजोरम और सिक्किम शामिल हैं। न्यूज क्लिक के एडिटर प्रवीर बता रहे हैं कि कोरोना से देश और दुनिया कैसे लड़ रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए भारत को अभी और ठोस कदम उठाने की जरूरत है और यह लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, जो सरकार उसे समझ रही है। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। अगर दुनिया में पहले एक बार नजर डालते हैं, हम देखेंगे कि 5.6 बिलियन की लगभग, मतलब की 56 लाख लोग इस वक्त COVID-19 के शिकार हैं दुनिया में। और अगर हम देखें किस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो हम देखेंगे दूसरी जगहों पे इस वक्त इसकी बढ़त काफी है। एक बार नजर डालते हैं चार्ट्स जो हम आपको दिखाते हैं उसके ऊपर। इफ यू कैन सी द चार्ट्स, हम इसको लॉग चार्ट के रूप में दिखाते हैं। इसका मतलब संख्या, कितने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं या नहीं, वो लॉग में है और डेज जो है नॉर्मल चार्ट की तरह है। इसका फायदा यह है कि जब दूसरे देशों की रफ्तार देखते हैं तो हमें काफी बड़े संख्या को एक साथ देख सकते हैं और उसमें कोई परिवर्तन अगर है तो वो भी ज्यादा साफ होता है। अगर अमेरिका की रफ्तार देखें, अब देखेंगे 86 दिन से वो 100 दिन, 100 विक्टिम्स जो थे उसका, उससे 86 दिन गुजर चुका है। अभी उनके करीब 17 लाख पेशेंट्स वहां पर मौजूद है और अगर 9 लाख देखना है तो आप देखेंगे करीब 54 दिन के लगभग 9 लाख के ऊपर वो पहुंचे थे। इसका मतलब है कि ये पिछले 30 दिन में उनका संख्या डबल हुआ है। इसका मतलब पहले से काफी बेहतर है। आइए देखते हैं हिंदुस्तान के ऊपर एक नजर। यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखेंगे जो सरकार भी अभी कह रही है कि हमारे संख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब कि हम इस वक्त इस बीमारी के, महामारी के ऊपर काबू नहीं पाए हैं। वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द एपिडेमिक। द नंबर्स राइट नाउ आर स्टिल राइजिंग एंड दे आर राइजिंग ऑलमोस्ट एट द सेम रेट फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 20-25 days. There are doubling rate at the moment is something between 12 to 14 days. 12-14 दिन के अंदर हमारी doubling हो रही है संख्या की। इसका मतलब कि हिंदुस्तान में अभी भी हम COVID-19 के
में जो महामारी चल रही है उस पर हम काबू नहीं पा लिए हैं, ये हमारे सामने है। जो अभी हमें ये माइग्रेशन जो हम बड़े पैमाने पर देख रहे हुए हैं, ये इस वजह से हुए हैं कि लोगों को बुनियादी जो मिलने की जरूरत है रहने के लिए शहर में, वो नहीं मिल रहा था। मतलब खाने को, रहने की जगह और जो दूसरे चीजों दैनंदिन जीवन के लिए जरूरी है वो नहीं मिल रहा था। पीपल वर नॉट रियली एबल टू लिव, द फैमिलीज वर नॉट गेटिंग फूड, दे वर नॉट गेटिंग फूड, दे कुडंट स्टे इन द एकोमोडेशन, दे वर बीइंग थ्रोन आउट, सो दे हैड नो वर्क, तो उनके पास हर पे कोई पैसा नहीं था, सो दे वर फोर्स्ड टू माइग्रेट, बट दे वर फोर्स्ड टू गो बैक टू देयर विलेजेस, तो उनको वापस जाने की उनकी जरूरत यह थी कि शहरों में उनके पास कोई पैसे नहीं थे। सो दिस ऑल्सो इज द अदर फेलियर दैट वी हैव हैड, द कलेक्टिव फेलियर, पर्टिकुलरली द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट प्लानिंग फॉर दिस। पहले लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड इन 4 आवर्स, सो वी हैड नो नोटिस, हमें कोई नोटिस नहीं मिला था। इस वक्त लॉकडाउन मिलने की नोटिस काफी थी, but the arrangement still seem to have been the same mess because we have seen now huge numbers going back, and that of course is carrying back the infections to the villages, distributing all over the country and also forcing them to stick very closely together. काफी लगाव के साथ एक दूसरे को रहना पड़ा, क्योंकि ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रक्स में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सब कहना बकवास है। और उनको जिस तरह से रखा जा रहा है वहां भी ठूस ठूस के, स्कूलों को बिल्डिंग में क्वारंटीन कह के, तो इसकी फैलाव और भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से लोग गए हैं, जिस तरह से लोग भीड़ करके उनको जाना पड़ा, इससे इसकी फैलाव होना अवश्यंभावी है। इट्स इनएविटेबल दैट द नंबर्स विल इंक्रीज बिकॉज द वे वी हैव ट्रीटेड द आउटफ्लो ऑफ द माइग्रेंट्स, पीपल गोइंग बैक टू देयर विलेजेस, एंड मेनली बिकॉज वी फेल्ड टू कीप देम इन द टाउन्स एंड वी कुड नॉट गिव देम एम्प्लॉयमेंट और फूड। And this does bring about the central question of this COVID-19 epidemic. जो सेंट्रल सवाल है, मुख्य सवाल है, कि इसको हम एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 144, कर्फ्यू, ये शब्द आ रहे हैं, पुलिस इसकी इस्तेमाल कर रही है, और द होल अटेम्प्ट इज टू कन्वर्ट दिस नॉट इनटू अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, इसको पब्लिक हेल्थ नहीं, एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह हम ले जाने चाहते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द ट्रेजिडीज, एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हमारे लिए है, कि जो हमें बहुत बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखने को मिला है माइग्रेशन के नाम पे, वो यह है कि हमारी व्यर्थता, इसको कैसे, जो लोग शहर में थे उनको हमें कैसे ट्रीट करना है, ये लगता है हमारे दृष्टि में थी ही नहीं। सरकार ने इसकी पूरी तरह से लापरवाही नजरअंदाज की, और जो तथाकथित स्टिमुलस की बात कहा, इसकी स्टिमुलस के एक अंश भी उनके हाथ में नहीं पहुंचा, ये बहुत साफ है। अनफॉर्चुनेटली इट हैज वेरी सीरियस इम्प्लिकेशंस फॉर आवर ट्रैजेक्टरी, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस मींस द कंट्रोल ओवर द ट्रैजेक्टरी, जो फ्लैटनिंग ऑफ द ग्राफ जो कही जा रही है, वो हमें खोने की संभावना इस वक्त कम है, और ये रफ्तार बढ़ता ही रहेगा, ये संभावना हमारे सामने है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में खाना पानी के बगैर मरते मजदूर, और रेलवे स्टेशन पर मरी हुई मजदूर माँ को उठाने की कोशिश करते हुए दुधमुहे बच्चे की वायरल होती तस्वीर, हमारे देश की शक्ति संपन्नता, इसके जनतंत्र और शीर्ष नेताओं के देश के कथित विश्व गुरु बनने संबंधित दावों पर गंभीर सवाल उठाते हैं। अचरज की बात है कि कोरोना से जंग और लोगों के नाम पर 20 लाख करोड़ रुपए के कथित पैकेज का ऐलान करने वाले शासन पर इन तस्वीरों में दर्ज होती सच्चाई का कोई असर नहीं दिख रहा है। हमारे समाज की इन कुछ बड़ी चिंताओं की चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, आइए सुनते हैं उन्हें। दोस्तों, आज देश की सत्ताधारी जो पार्टी है उसके एक बड़े नेता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री मोदी क्या हम सबका भारत है? इस देश की करोड़ों करोड़ आबादी, हर कोई भारत के लिए, भारत की नागरिकता के हिसाब से सभी इस प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं, हमारे जो मंत्री जी हैं, सरकार में जो बैठे लोग हैं, वो सब उतने ही भारत के हैं जितने हम सब हैं। एक एक नागरिक के लिए भारत का उतना ही गर्व है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी बड़े नेता के लिए। इसलिए भारत पर जब भी कोई बाहर की शक्ति, बाहर के किसी फैक्टर्स,
से कोई चुनौती आती है, भारत एक रहता है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, साधारण मजदूर हो, कर्मचारी हो या आम नागरिक हो। बिल्कुल सही, सत्ताधारी दल के नेता की बात बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, जब कोई घर के अंदर से ही कुछ समस्याएं, कुछ फैक्टर्स आंख उठाएं हम पर, हमारी संवैधानिकता पर, हमारी सरकार के काम करने के तौर तरीकों पर, हमारी जो नीति निर्देशक जो प्रणाली है उस पर, फैसला लेने के तौर तरीकों पर, तो आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों, कोई बाहर का नहीं, अंदर का, अंदर की स्थितियां हम पर आंख उठाकर हमारे ऊपर सवाल कर रही हैं, और वो है भूख, बीमारी, बेकारी, बेहाली। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तीन बड़ी घटनाएं मेरे सामने हैं। एक घटना कि गुजरात से चली हुई एक औरत अपने बच्चे के साथ, गुजरात से वो चलती है, उसको बिहार जाना है, लेकिन जब वो मुजफ्फरपुर पहुंचती है 60-70 घंटे के बाद, तो उसका मृत शरीर, उसकी डेड बॉडी ट्रेन से उतारी जाती है। और जब वो रेलवे स्टेशन पर उसकी डेड बॉडी लिटाई जाती है और एक चादर उड़ाई जाती है, तो एक बच्चा, जो उसका अपना बच्चा है, दुधमुहा बच्चा, चादर को खींचता है अपनी माँ को जगाने के लिए कि उठो उठो। उसको नहीं मालूम कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, दुधमुहा बच्चा। एक दृश्य ये है जो टेलीविजन चैनलों पर और हमारे सोशल मीडिया पर आज लगातार, सोशल मीडिया पर उसको कहते हैं, वायरल हो रहा है। टेलीविजन चैनल भी उसको कुछ दिखा रहे हैं, कुछ एक दिखा रहे हैं, कुछ एक चाइना और भारत के बीच में जो लद्दाख में जो एक टकराव की स्थिति बनी हुई है उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। दूसरी जो खबर है वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है। वो मुंबई से चले हुए लोग, उसमें एक सज्जन जो आते हैं और अपने भतीजे के साथ, और वो बैठते हैं 46 साल के, उनको मछली शहर, जौनपुर के मछली शहर जाना है, और जब 60-70 घंटे के बाद वो पहुंचते हैं बनारस, तो उनका मृत शरीर नीचे उतारा जाता है। उन्हें बताया गया था कि पानी और खाना दोनों मिलेगा ट्रेन में, 940 रुपए प्रति व्यक्ति ने टिकट का पैसा भी दिया था, लेकिन न तो पानी मिला न तो खाना, और ट्रेन रुकी नहीं कहीं, और वो बीच में इतनी हालत खराब उनकी हुई कि वो भी मर गए और उनकी भी डेड बॉडी उतारी गई। तो ये दो जो मृत लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं, जिनको आजकल यहाँ पर लोग माइग्रेंट लेबर कहते हैं। पता नहीं कहाँ से माइग्रेंट हैं, कहाँ से वो प्रवासी हैं, जैसे लगता है किसी और मुल्क के लोग हैं, वे मजदूर हैं इसी मुल्क के। और ये दो जो 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 मौतें हैं, इस तरह की असंख्य मौतें हमें और हमारे जनतंत्र पर, हमारे काम करने की प्रणाली पर, हमारे नजरिए पर, हमारे शासन के अंदाज पर रोज आंख दिखा रही हैं, रोज सवाल उठा रही हैं दोस्तों। तीसरी घटना जो बिल्कुल अलग है, एक मजदूर की नहीं है, खाते पीते परिवार के है, और जो अर्ध शहरी या शहरी परिवार है, और वो है ग्रेटर नोएडा का एक परिवार, जिसका एक बच्चा जिस घर में पैदा होता है, बड़ी खुशियां मनाई जाती होंगी जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु बिल्कुल स्वस्थ पैदा होता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, अचानक स्थितियां बिगड़ती हैं, वो उसके घर के लोग अस्पताल में ले जाने की कोशिश करते हैं, कई अस्पतालों में जाने के बाद पता चलता है कि उसका इलाज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि माहौल इस तरह का प्रशासनिक स्तर पर बना दिया गया है कि किसी नॉर्मल रोग में, किसी भी सामान्य रोग में भी कोविड 19 के नाम पर इलाज नहीं लोगों का हो रहा है, और उस बच्चे का भी ठीक से इलाज नहीं हुआ, लिहाजा ग्रेटर नोएडा का वो बच्चा मर गया। कल्पना कीजिए, ये तीन जो मैंने उदाहरण दिए, ये केवल एक नमूने हैं। नमूने इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूं कि इस देश में असंख्य घटनाएं मजदूरों के मरने की हो रही हैं, बिना पानी के, बिना खाना के, पैसे के अभाव में, और बदहवासी, बेहाली की हालत में। कोविड 19 के वो पेशेंट नहीं है, वो नॉर्मल सिचुएशंस में मर रहे हैं, भूख की वजह से मर रहे हैं, और अस्पतालों में लोग कोविड 19 के कारण जो मर रहे हैं उनकी संख्या तो हमारी सरकार सिर्फ बता रही है 4000 से थोड़ी सी ऊपर, लेकिन अस्पतालों में मरने वालों की तादाद तो हजारों में है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, कितने सारे लोग मर रहे हैं, न जाने किन किन रोगों से मर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हालात हैं, और सोचिए आप, मंत्री जी कह रहे थे कोई बाहर की ताकत के बारे में, मैं तो कहता हूं कि अंदर की स्थितियां, आपकी सरकार, आपके समाज, आपके प्रशासन ने जो स्थितियां पैदा की हैं कोविड 19 से जूझने के नाम पर, उन स्थितियों में ये लोग मर रहे हैं। अब आप बताइए मंत्री जी, कौन आंख किसको दिखा रहा है?
तो दोस्तों सवाल इस बात का है कि हमारी हमारे शासन की और जो नीति निर्धारक हैं, जो योजना बनाते हैं, योजनाकार जो हैं, उनकी चिंता क्या है, हमारी हमारे सरोकार क्या है। अब आप देखिए हमारे समाज के जो डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट जो घटक हैं, उनकी क्या चिंता है। हमारे देश का जो मुख्य धारा का मीडिया है, उसकी चिंता इस समय इंडो चाइना बॉर्डर है। ऐसा लगता है 5 मई और 9 मई को हुई दो घटनाओं के जरिए वो बताने में तुला हुआ है कि इस समय भारत की जनता को, भारत की सरकार को सिर्फ और सिर्फ लद्दाख बॉर्डर पर जो हो रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर 5 मई की घटना है तो आज 23 मई, 24 मई के बाद ये कवरेज क्यों शुरू हुआ? ये क्या कोई डायवर्जन की टैक्टिस है? क्या इसके पीछे कहानी है? कौन नहीं जानता कि उस इलाके में आज से नहीं, बहुत साल हमने देखा, 2017 में डोकलाम हुआ था, 2014 में घटनाएं हुई थी, 2013 में घटनाएं हुई थी। तो ये भारत और चीन सक्षम है कि इस मुद्दे को, इस मसले को हल कर लें, एड्रेस कर लें। लेकिन मीडिया सुबह से शाम तक बगैर उस घटना स्थल पर गए, बगैर उस इलाके में गए, सब कुछ किसी ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक के किसी नक्शे के आधार पर या यहीं से बैठे काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर बता रहा है कि वहां किसके कितने सैनिक पहुंच चुके हैं। दूसरी बात, हमारी सरकार की क्या चिंता है? हमारी सरकार की चिंता यह है कि कैसे सारे विपक्षी खामोश हो जाए। जैसे और सारे विपक्षी खामोश हैं तो ये जो एकाध जो विपक्षी नेता बोल रहे हैं वो भी कैसे खामोश हो जाए। रीजनल पार्टीज के जितने बॉसेज हैं तकरीबन सारे खामोश हो चुके हैं। अब सवाल इस बात का है कि कोई नेता कोई सवाल कर देता है तो बहुत नागवार गुजरता है। तीसरी बात कि सरकार की ये भी चिंता है कि जो राजनीतिक दलों से इतर लोग जो सामाजिक रूप से और जो बौद्धिक स्तर पर इस सरकार की मुखालफत करते हैं या इसकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, राइटर्स हों या जर्नलिस्ट हों या कलाकार हों, उनका कैसे मुंह बंद किया जाए। तो असहमत लोगों के साथ कैसे सरकार इस प्रकार ट्रीट करे, इस प्रकार उनको एड्रेस करे कि उनकी बोलती बंद हो जाए। तो जेल में लोगों को डाला जा रहा है। और तीसरी चिंता हमारे कई ऐसे नेताओं को है दोस्तों इन दिनों, खासकर राज्यों में, कि मंदिर, मस्जिद, गिरजे सब खोल दिए जाएं। अभी येदुरप्पा साहब को मैंने देखा कि उन्होंने मांग की है कि उनके यहां जल्दी से जल्दी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे गिरजे खोलने की इजाजत मिले, अस्पताल खोलने की इजाजत, अस्पताल कैसे बेड ज्यादा बढ़ाए जाएं, आईसीयू कैसे बढ़ाए जाएं, कैसे वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई जाए, कैसे डॉक्टरों को पीपीई ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा बेहतर मिले। कई जगह पता चला है इंदौर में खासकर कि जो पीपीई गुजरात से आए थे बनकर वो इस तरह खराब थे कि डॉक्टर्स ने उन पीपीई को पहनकर काम करना शुरू किया और वो बीच में फट गए, दरक गए और वो इंफेक्शन का शिकार हो गए। कई ऐसी भी घटनाएं घटी हैं। तो दोस्तों इन चीजों पर हमारे प्रशासनिक नेताओं को, हमारे राजनीतिक नेताओं को चिंता नहीं है, उनकी चिंता दूसरी चीजों को लेकर है। जबकि ये मुल्क इस समय बेहद खतरनाक मंजर पर खड़ा है। और सच पूछिए तो जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जून से लेकर सितंबर तक का महीना भारत में कोविड 19 के हिसाब से बेहद नाजुक है और इस महीनों में, इन आने वाले महीनों में देश की सरकार को और समाज को और लोगों को सावधान ज्यादा रहना होगा। अभी क्या स्थितियां हैं दोस्तों? अभी हम कुल मिलाकर 1.5 लाख के आसपास संक्रमित लोग हैं, जो माना जा रहा है कि एशिया में तो सबसे अधिक हो गई है संख्या। और कम से कम जांच कराने वाले मुल्कों में अभी भी भारत शामिल है। 31 लाख लोग हाल तक यहां पर जांच जिनकी हुई थी, टेस्टिंग हुई थी, वो भी 100 दिनों में। और दोस्तों दूसरी तरफ उदाहरण यह है कि चीन ने वुहान प्रांत में, जहां पर सबसे पहले ये रोग फैला, पता यह चला कि वहां पर 206 लोगों को हाल के दिनों में भी इन्फेक्शन हुआ इस कोविड 19 का। तो उन्होंने वुहान में जहां टेस्टिंग पहले खूब जम के हुई थी, अभी हाल में 12 दिनों में, हाल के दिनों में 12 दिनों में 67 लाख सिर्फ और सिर्फ वुहान में उन्होंने टेस्टिंग करा ली, 67 लाख। और जबकि हम 100 दिनों में पूरे देश भर में हम 31 लाख टेस्टिंग करा पाए हैं।
ये संख्या हम कल की बता रहे हैं आपको। अब आप बताइए कि ऐसे दौर में हम कैसे माने कि हम वाकई सतर्क हैं, हम ज्यादा संजीदा हैं, हम वाकई अपने योजना का, गैर योजनागत खर्च का और पैकेज जो है उनका खर्च हम इस क्षेत्र पर कर रहे हैं। दूसरी बात कि ये जो हालात हैं, अस्पतालों की किल्लत है, अब जैसे पूरे देश में केरल जैसी स्थितियां तो नहीं है कि सारे स्टेट में अस्पताल बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, इन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी सारी चिंता, हमारी सारी जो जो जो, जो सरोकार हैं वो मतलब उनका नहीं रह जाएगा, वो उनको एड्रेस नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल अंत में चलते चलते दोस्तों की क्वारंटीन, अस्पताल के साथ क्वारंटीन और आइसोलेशन के जो बनाए गए हैं रूम्स, उनकी क्या हालत है? उत्तर प्रदेश से भयावह खबरें मिल रही हैं। अभी हम आपको बताएं, ईद से पहले यूपी में क्वारंटीन रहे 600 मुस्लिम लोगों को रिहा किया गया, उनको छोड़ा गया। आप जानते हैं वहां पर 2227 लोग क्वारंटीन में रखे गए थे, उनमें 600 लोगों को छोड़ा गया। मेरठ में 296, लखनऊ में 157, कितने दिन पर? 50 दिनों के बाद, जबकि 14 दिन या 21 दिन, 28 दिन अधिक से अधिक ये क्वारंटीन में रखने की एक प्रोविजन है, लेकिन 50 दिनों तक क्यों? जब पूछा गया, पत्रकारों ने स्थानीय पूछा, तो लोगों ने कहा कि ऊपर से निर्देश का हम इंतजार कर रहे थे, इसलिए इनको 50 दिन रखना पड़ा। अब ये हालात हैं, अगर आप अपने ही नागरिकों को शत्रु की तरह, उनको किसी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि जिसको कि आपको लगता है कि ये इनके साथ हमें इस प्रकार का करना है जैसे कोई दुश्मन के साथ किया जाता है, अगर इस तरह का ट्रीटमेंट होगा तो दोस्तों क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम रोग से नहीं, ऐसा लगता है कि रोगी से लड़ रहे हैं। हमें लगता है कि हम अपने लोगों को बेहतर करने में, उनको स्वस्थ करने में, उनको सतर्क करने के बजाय, उनको हम रोग से बचाने के बजाय उनको हम आफत में डाल रहे हैं। ये जो मिजाज है, जब तक इस पर अंकुश नहीं लगता, अगर इसको हम नहीं ठीक करते तो हाल वही होगा। अब बिल्कुल चलते चलते हम मजदूरों पर फिर आते हैं और अपनी बात खत्म करते हैं। अभी बहुत सारे लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि गांव में मजदूर जा रहे हैं तो वहां संक्रमण हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें, मार्च के बिल्कुल आखिरी सप्ताह में बिहार में 2 लाख के आसपास मजदूर गए थे बाहर से। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदद की थी, दिल्ली में भी कुछ मदद की गई थी, उसमें एक भी संक्रमित नहीं निकला। लेकिन इतने दिनों की बात, जब बेहाल होने लगे शहर, जब बदहवासी बढ़ गई, जब मजदूर बिल्कुल खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए बेहाल हो गए, मुहाल हो गए, उनके मकान मालिकों ने उनको घर से निकालना शुरू कर दिया, तब जाकर इस सरकार ने कहा अब गांव जाओ, ट्रेनें शुरू कराई। ट्रेनों का हाल हम सब जानते हैं, अभी भी महाराष्ट्र में लोग इंतजार किए जा रहे हैं। और ये मजदूर जब 2 महीने के बाद जब वहां गए हैं और विभिन्न राज्यों में संक्रमित होकर जब जा रहे हैं, उसमें से 5, 10, 20, या 50 तो कहा जा रहा है कि COVID-19 लेकर ये आ गया है। तो ये जो हालात हैं, मैं समझता हूं इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यही सवाल सबसे बड़ा है। कि आप कह रहे हैं कि आंख दिखाने वाला बाहर का अगर आएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आंख तो आपको स्वयं आप द्वारा पैदा की गई परिस्थितियां दिखा रही हैं, उनको कैसे आप चुनौती देंगे, उनसे कैसे आप सामना करेंगे, असल सवाल आज का यही है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।